गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे जो नॉकआउट का नॉकआउट टूर्नामेंट, ये थर्ड कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है। आपके दो कंप्लीट हो चुके हैं, पहला है आपका नॉकआउट सिंपल, नॉकआउट टूर्नामेंट सिंपल कंप्लीट हो गया, और सेकंड हो गया लीग टूर्नामेंट। उसमें दो मेथड है, स्टेयर मेथड और राउंड रॉबिन मेथड, वो दोनों ऑड और इवन दोनों के लिए कम्प्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड टॉपिक है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी ये चार स्टेप आते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट है नॉकआउट का नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन, टीमों की संख्या हमने मान ली है, हमने टीमों की संख्या यहाँ 19 मान के चल रहे हैं। ये हमने 19 टीम्स के ऊपर एक पिक्चर तैयार किया है जिसका कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट फर्स्ट नॉकआउट जो सिंपल नॉकआउट था उसी की तरह रहेगा, लेकिन इसमें चेंज जहां से हुआ है मैं आपको वहां से बताऊंगा कि हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम अपर हाफ सेम निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ टीम लोअर हाफ सेम निकलेगा नॉकआउट सिंपल की तरह, और टोटल नंबर ऑफ 22 भी सेम निकल आएंगे। 13 बाई आ गई, पहले अपर हाफ में 10 टीम 19 कैलकुलेट होकर आ रही है, टोटल नंबर ऑफ 22 एन अपर हाफ निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, एन बी माइनस 1/2 13 माइनस 1/2 6/5, और टोटल नंबर ऑफ 22 लोअर हाफ एन बी प्लस 1, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला। चेंजेस यहाँ से है, यहाँ से हम जोन बनाएंगे, जोन टोटल नंबर ऑफ टीम इन जोन ए, इसमें हमारा फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ टीम 10 है तो एन बी माइनस एन बी एन अपॉन 2 लगेगा, टोटल नंबर टीम एन अपॉन 2 इक्वल टू, तो एन नंबर ऑफ टीम 10 अपॉन 2 5 टीम जोन ए में, और एन अपॉन 2 जोन बी, यानी जोन बी और ए हमारे दोनों जोन बनेंगे 10 से। पहले जो हमारी संख्या टोटल 9 थी, इनको हमने दो जगह डिवाइड किया 10 और 9 में, अपर हाफ लोअर हाफ। अब हम 10 टीम को डिवाइड करेंगे ए और बी जोन में, तो ए और बी के लिए हमारा 10 इवन नंबर है, तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n/2, तो जोन ए में n/2 इक्वल टू 5 टीम और जोन बी में n/2 5 टीम। अब हम देखेंगे 19 सी और डी जोन हमारे बनेंगे लोअर हाफ से, और अपर हाफ से ए और बी जोन बन गए, और लोअर हाफ में हमारे पास 9 टीम है, तो 19 के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला n प्लस 1/2 जो ऑड नंबर टीम है, 9 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का फॉर्मूला n प्लस 1/2 प्लस पहले आता है, हमने बताया था n प्लस 1/2 इक्वल टू 9 प्लस 1/2 यानी 5 टीम आ गई, और जोन डी में नंबर टोटल नंबर ऑफ टीम इन जोन डी n-1/2 8/2 यानी 4 टीम। अब हम इनको प्लस करें 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 4 = 19, यानी ये हमारा सही है, टोटल हमारी 19 टीम के ऊपर चार जोन में हमने डिवाइड किए हैं, जोन ए जोन बी जोन सी और जोन डी में हमारी टोटल 19 टीम, यानी हमारा ये यहां तक सही है। अब हम टोटल नंबर ऑफ 22 को भी डिवाइड, जैसे हमने यहां टीम को चार जोन में डिवाइड किया है वैसे ही हम यहां पर जोन बाई भी चार जोन में डिवाइड करेंगे, तो टोटल बाई हमारी कितनी थी 13 बाई निकल के आई, और 13 को 6 और 7 अपर हाफ लोअर हाफ में, हमने अपर हाफ में कितनी आई थी 6 बाई और लोअर हाफ में 7 बाई, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 22 इन जोन ए, इसमें फॉर्मूला भी वही लगेगा, पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो फॉर्मूला है वो आपका लगेगा इवन का, क्योंकि आपकी जो टोटल बाई 6 है, 6 को हम अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे, और सी और डी ए और बी जोन में, और सी और डी जोन में लोअर हाफ की बाई डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एन बी बाई 2 3 बाई कैलकुलेट होकर आएगी, फिर 3 बाई जोन सी में और 4 बाई, इसके बाद हम यहाँ पिक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम जोन ए की टीमों में कितनी टीमें हैं 5 टीमें जोन ए में, और हमने फिर बाई को प्लेसअप कर दी 1 2 3, इसमें बाई दी जाती है उसी ग्रुप में, जोन ए की जोन ग्रुप में बाई दी जाएगी 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ 3 बाई कैलकुलेट हो गया है तो हम 3 बाई ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जोन बी में हमारी टीमें हैं 5 और बाई है 3, जोन बी में हमने वैसे ही सेम बाई दे दी, फिर जोन सी में भी वैसे ही कैलकुलेट कर दी 5 बाई 3 बाई एंड 5 टीम्स, ऐसे ही जोन डी में भी 1 बाई आपकी टोटल 4 टीम आई है, उसमें 4 टीम के बाद हमने बाई भी कैलकुलेट कर दी इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये टूर्नामेंट कंप्लीट होता है, और इंटर जोनल टूर्नामेंट में ए बी सी डी का मैच करा देंगे, यानी जो टीम हमने ये एरो दिखाते हुए दिखाया कि इसमें से एक टीम लास्ट में जो विनर होगे वो जोन ए को रिप्रेजेंट करेगी, और इसी जोन बी में
एक टीम निकल के आएगी विजेता, वो जोन बी को रिप्रेजेंट, वैसे ही जोन सी को और जोन डी को रिप्रेजेंट, यानी ये चारों ग्रुप में से एक एक टीम विजेता बन के आएगी, वो अपने जोन को रिप्रेजेंट करेगी जो एरो के थ्रू दिखाया गया है। उसके बाद हम इसका इंटर जोनल टूर्नामेंट कराएंगे, जिसमें हमने जोन ए की एक टीम विजेता, बी सी डी, ये चार टीम आ गई हमारी विजेता, इनका इंटर जोनल टूर्नामेंट करा दिया, ए बी सी और डी। यहाँ हमारा ये पिक्चर पूरा होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने पर वो क्लियर कर सकते हैं वॉइस मैसेज थ्रू, और लिख करके भी इसे अन्य तरीके से भी वॉइस मैसेज के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।